नमस्कार, योजना की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम कांजी वड़ा बनाने जा रहे हैं, तो हम कांजी भी बनाएंगे और वड़ा भी बनाएंगे, तो चलिए हम बनाते हैं। कांजी बनाने के लिए मैंने 3 लीटर पानी लिया है और इस पानी को पहले अच्छी तरह से पूरा उबाल कर ठंडा कर लिया है। कांजी के लिए पानी उबालने से कांजी बहुत दिन तक चल जाती है। चुटकी भर हींग और 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। कांजी में हम राई को पीसकर डालते हैं और राई हम ये बिल्कुल बारीक वाली यूज करते हैं, एकदम बारीक। और एक राई होती है थोड़ी मोटी, जैसे ये है, ये थोड़ा मोटा दाना है, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बारीक राई यूज़ करने से उससे अच्छी फर्मेंट होती है कांजी। और राई को मैंने बिल्कुल बारीक मिक्सी में पीस लिया है और 3 लीटर पानी है, तो हम 6 टेबलस्पून इसमें राई पिसी हुई डालेंगे, यानी कि 1 लीटर पानी में 2 चम्मच। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। एक और टिप है कांजी को अच्छा फर्मेंट करने के लिए, इसमें हम थोड़ा गुड़ डालेंगे। ये गुड़ भी मैंने ऐसे मैश करके 3 टेबलस्पून के करीब लिया है। इसको मैं इस कांजी में डाल देती हूँ, इससे कांजी बहुत अच्छी और बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाएगी। कांजी को हम 2 तरह से डालते हैं, एक गाजर वाली कांजी कहलाती है और एक बड़ों वाली। मैं आज इस कांजी को बड़ों वाली कांजी बना रही हूँ, इसमें गाजर नहीं डालूंगी। जिसमें गाजर पड़ती है उसमें थोड़ा सा चुकंदर भी डालते हैं हम, जिससे कि कांजी का रंग लाल हो जाता है। तो अब इसके लिए हम इसमें बड़े भी बनाएंगे, तो अब उसमें डालेंगे। अब इस कांजी को ढककर रख देती हूँ मैं और 3 दिन इसे तेज धूप में 3-4 घंटे के लिए रखेंगे। 3 दिन तक धूप दिखाने के बाद ये बिल्कुल पीने लायक हो जाएगी। अब मैं आपसे 3 दिन बाद मिलती हूँ। ये उड़द धुली दाल मैंने करीब 250 ग्राम ली थी और उसको अच्छी तरह पानी से धो के और 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब मैं इसका पानी छान लेती हूँ और फिर इस दाल को हम पीसेंगे। हमने दाल पीस ली है और कांजी के बड़ों के लिए दाल पीसकर तैयार है। अब हम इससे बड़े बनाते हैं। ये दाल मैंने एक बोल में निकाल ली है और इसे मैं अब बहुत अच्छी तरह कम से कम 5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंटूंगी। मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है और 1/4 टीस्पून हींग को पानी में घोलकर डाल दिया है। अब इसको हम फिर मिलाएंगे। बड़े बनाने के लिए मैंने एक टोंगा लिया है, फ्लैट सा, छोटा ही लेंगे और इसके ऊपर ये कॉटन का कपड़ा ऐसे रख के और इसको मैं ऐसे नीचे से टाइट पकड़ लूँगी और ऊपर गीला करते जाएंगे और बड़े बनाते जाएंगे। अब इस कॉटन के कपड़े को मैं पानी से पूरा गीला कर लेती हूँ और ये जो हमारी दाल है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और उसको मिला के और इसमें से थोड़ा सा मैं लोई की तरह से उठा के और इस पर रखूँगी और इसको एकदम गोल हम फैलाएंगे। देखिए हम पतला ही फैलाएंगे, बहुत मोटा नहीं, और एकदम गोल फैला के और अपनी हथेली पर ऐसे उंगलियों पर पानी लेके और इसको ऐसे उल्टा करके, ये देखिए हाथ पे आ गया। अब इसको मैं तेल में डाल दूंगी। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। मैंने इस कपड़े को गीला किया और थोड़ा सा दाल को, इतना दाल को उठाया, साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं छोटा या बड़ा, और इसको हाथ से गोल किया, पतला किया और उंगलियों पे पानी लेके और उसको पलट के ऐसे उंगलियों पे ले लिया और इसको तेल में डाल देंगे। देखिए हल्का ब्राउन होने लगा है, इसको हम पलट देंगे और थोड़ा सा और ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। अब चाहे इसको आप फौरन पानी में डाल लीजिए अगर आपको कांजी में अभी डालने हो, वरना इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। जब कांजी में डालने हो तो हल्के से गुनगुने पानी में इसको 1 घंटा भिगोइए और हल्का से निचोड़ के कांजी में डाल लेंगे। अब हम कांजी में ये बड़े डालेंगे, तो पानी में से निकाल के मैं इसको हल्के से निचोड़ के और प्लेट में रखती जा रही हूँ, फिर इनको एक साथ कांजी में डाल देंगे। 3 दिन हो गए हैं और अब ये हमारी कांजी बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए जब राई ऊपर को आ जाती है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी रच गई है। अब इसमें मैं वड़े डाल रही हूँ जो मैंने निचोड़ के रखे थे।
अब ये कांजी वड़ा हमारा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।